और इस सबको बताया मैंने, तब से तब वो मेरी माँ भी अपाई आड़े पिछले 6-7 महीना तो रोड़ा पे बैठे हैं और सरकार कुछ सोच नहीं रही और दोबारा तो हमने प्रधान खातर रोज की रोज कुछ ना कुछ नया ऐसा करे है भाई, हम पड़क जावा और कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे सरकार की जीत हो जावे और हम हार जावा। तो मेरी सबसे अपील है हाथ जोड़ के भी सरकार के बहकावे में नहीं आना है, आवेश में आकर ऐसा कोई कदम ना उठाइयो जिससे हमने सरकार की जवाब देना पड़े। आज हम सरकार पर जवाब लेने आए हैं, जवाब देने आए नहीं हैं। तो हमने इसे बात पढ़ लिख रहे हैं, हमने सरकार पर जवाब लेना है, हमने को नहीं देना किसे तक। और जो रोज की रोज सरकार ये घंटे अपना ले रही है और जो नकली आदमी ने भेजा भाई किसान यूनियन है और गाँव में जाओगी प्रचार करेगी, तो मैं भी उस ताऊ ने चेतावनी देना चाहूँ, नाम हम लेना नहीं चाहते जो हमारे तक गद्दारी करे, उस गद्दार का नाम हम लेना नहीं चाहते। भाई चेतावनी आपको, तू कुरुक्षेत्र की धरती में खट्टर ने उतार कर देख लिए, ओड़े या तो किसान रोएंगे या तेरा खट्टर रोएगा, हम उतर नहीं देवांगे उसने। जिस तरह जीत की धरती का हमने दुष्यंत ने उतरन दिया था, वो जहाज ऊपर ऊपर उठा था, ऐसे कुरुक्षेत्र की धरती पर हम खट्टर ने उतरन नहीं देवांगे। जो ताऊ वो कितने बड़े ऐलान कर लियो, कितने गाँव में प्रचार कर लियो, लेकिन किसान जीतता है किसी बहकावे में नहीं आता। अगर बहकावे मानता तो 7 महीना तक रोड़ा पे नहीं बैठे, जो रोड़ा पे बैठे की तपस्या है वह सफल करके हटांगे, हम किसी के बहकावे में नहीं आंदे। और ये जो कसार गांव की घटना है इसमें अपने जींद के भाइयों की फसाया जा रहा है, तो मैं सरकार से चेताना चाहूँ भाई जींद के आदमी का कंगा ना ले तमे, हम मरे आदमी ने जिंदा कर सका, इतनी हिम्मत है हमारी मातृशक्ति मर मेरे तो चेता हुआ मैं और तुम्हारे जिंदा आदमी ने पकड़ ला रहा हूँ जिनका कोई कसूर भी नहीं है, जिनने बचाने की कोशिश करी, मानवता का धर्म निभाया, उस धर्म की को तो अधर्म में बदलना चाहती है सरकार। तो मेरे चेता हुआ किसी के बहकावे में नहीं आना। और जो कल कुरुक्षेत्र में अपने राम जी राणा के साथ सरकार ने गंदी राजनीति खेली है, उस राजनीति का भी अपन डट के जवाब देवांगे। और मेरी तो यही अपील है अपनी संयुक्त किसान की मोर्चा की टीम से, भाई जल्दी से जल्दी कोई एक्शन ले, क्योंकि उस भाई ने हमारे खातर पिछले 7 महीने से सब कुछ दाव पर ला रखा है। एक वो होटल है उसके पास आमदनी का और उसके पास सरकार ने कल कब्जा कर लिया। तो मैं ये चाहती हूँ जल्दी से जल्दी कोई फैसला ले कि ताकि किसान भाइयों की मजबूती बनी रहे और उस भाई का हौसला बुलंद रहे, वो जो काम कर रहे वो कोई नहीं कर सकता। और बाकी प्रॉपर्टी उसने अपने किसान आंदोलन में लगा दी, उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, वो सबके लिए खर्च कर रहा है और तो अपना भी फर्ज है। तो इस भाई खातर अपन लड़ा और लड़ेंगे जीतेंगे, वह बैरिकेड और वह पत्थर ओढ़ता अटैक है, उस भाई का कारोबार दोबारा से सुचारू रूप से चलवाना है। मेरी सभी चाचेताओं से अपील है भाई, संयुक्त किसान मोर्चा जो भी आदेश देवा उस होटल के लिए अपन उस पर खड़े उतरना है। अगर ये आदेश होगा भी रात ने उड़े दाम लाना है तो घबराने की जरूरत नहीं चाचेताओं, तारी बेटी तारे तो आगे पाऊंगी, रात ने भी दाम लाओगे उड़े और उस होटल ने खुलवाया करवाएंगे, अपन पीछा करना है नहीं। इस खट्टर ने जो ये मूछा के ताव ला ले बार बार नुकवाया नहीं, मैं नू कर दूंगा, मैं नू कर दूंगा, तो तेरी मूछे तड़ान करानी है, एक आने की मूछ तेरी ना उठवाई थी, तो हम भी हरियाणा की बेटी नहीं है। तो मेरी तो सबसे अपील है मेरी चाची ताइयां तभी भी जागरूक रहो कि अपना इसा टेम अपना आंदोलन का यो नहीं सोचना है, तमने भी रहत ने आदेश है कि हम लिखड़ा फुकर, तो आपने जे रहत ने भी आदेश मिला तो आप रहत ने भी दालन ने तैयार ना, इन चाचे ताऊओं के बराबर में, इन भाइयों के बराबर में खड़ी होगी जब अपनी जीत होगी। अपना सिर्फ इतना फर्ज नहीं है भाई, 3 मारे टोल पाएंगे, अपना यो भी फर्ज है भाई, अगर रात ने अपनी जरूरत पड़ेगी तो रात ने भी चल लांगे, आप उल्टे को नहीं हटा। और जड़े ये चाचे ताऊ पसीना बहाएंगी, ओड़े तारी बेटी खून बहाएंगी, इस बात ने याद रखियो चाचा, और जड़े भी जरूरत पड़ेगी ओड़े तारे तो आगे पाऊंगी, चाहे वह हिसार की धरती हो, चाहे वह टुआने की हो, और चाहे वह कुरुक्षेत्र की हो, किसान आंदोलन में तारी बेटी तारे गले कदम से कदम मिलाएगा खड़ी है, कदे उल्टी नहीं हटेगी, गोली लग जाओगी सीने में लेकिन उल्टी नहीं हटेगी, अपनी नाड़ करवा लेंगे लेकिन इस आंदोलन से उल्टे नहीं हटाएंगे। सरकार ने बहुत से ऐसे हथकंडे अपना लिए, बहु बेटियों के ऊपर मतलब आरोप लगा दिए, उनको बलात्कार की धमकी दे रहे, लेकिन मैं सरकार ने बताना चाहूँ ये बेटी की दूध खा के ना अब जब बड़ी हो रही है अपनी 10 नौवा की कमाई तक तारे की डालेसिया में कोने पड़ रही, अब भाई थोड़ी सी धमकी तक डर जाऊंगी, लोह का शरीर है और मजबूत रहेगा, जब हम 47 डिग्री तापमान पर रोड़ा पर बैठ सका तो
रिस्पोंडर दे, क्योंकि भारत आके मारी सेवा में मारे चाचे ताऊ और मारे भाई खड़े हैं। हमने इसी से प्रार्थना की, दम किया था, डर को नहीं लगता। तो मेरी यही अपील है सबसे, डटे रहो, जब आप लड़ांगे तो जीतांगे, और जीतांगे जब अपने घर चलेंगे। जो अपने 500-550 किसान भाइयों की शहादत हुई है, इसमें बेकार निदान देना है, अपने सरकार झुकानी है, और झुका कर ईवीएम मशीन से अपने भारत का भार बकावांगे। जो यूपी में इलेक्शन हो रहा है, उसकी तैयारी चल रही है, उसमें भी अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, वहाँ के लोगों को जागरूक करना है और बताना है भैया हम आंदोलन किस लिए लड़ रहे हैं। और मेरी एक अपील और अपने चाचे ताऊओं से, भाई देखो मैं बार बार एक बात बताऊँ अपने, भाई फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई अपनी, अपनी नस्ल जब बचेगी, जब अपने स्कूल खुलेंगे। कई जिले में इस बात का मतलब अगुवाई कर ली है स्कूल वाले ने, लेकिन अपना जीन अब भी फीका है। अब आखिर कौन सी लड़ाई लड़ा, अपनी तो फसल फसल की लड़ाई रहेगी स्कूल खुलवाने खातर। असल तो सरकार एक तारीख तक खोल देगी, अगर ना खोल लेगी तो मेरी अपनी कमेटी का अपील है, भैया अपन जीत धरना देंगे डी ऑफिस के बाहर, और अपने बच्चों का भविष्य खातर अपन सोचेंगे। इस बात के बारे में मेरी कमेटी से अपील है, भाई सोचे इस बात को, एक तारीख तक हम सरकार को टाइम देते हैं, अगर वो खोलती है तो ठीक है, और नहीं तो एक तारीख के बाद स्कूल खुलवाने के लिए भी कुछ ना कुछ करे मेरी कमेटी। मेरी अपील है, क्योंकि बच्चे जब बड़े होंगे तो उन्हें कुछ आवेगा, जब बड़े होंगे कुछ ना आवेगा तो सरकार अपनी नीति में पास होने लगी है, क्योंकि वो जाती अनपढ़ जनता को बहकाना बहुत आसान है, और अपन अपनी आने वाली नस्ल अनपढ़ नहीं रहने देनी, इतना पढ़ाना है उनसे ही। भाई सरकार मारे तो बार बार नू पूछे, भाई यो कानून हमने लागू करना है, और लागू करा ना करा, अपनी आने वाली पीढ़ी अपन ने इतनी मजबूत बनानी है, और वह मजबूत कद होगी जब आप शिक्षा का प्रचार करेंगे। तो शिक्षा के प्रचार के लिए मेरी सबसे अपील है, एक तारीख के बाद अगर सरकार स्कूल नहीं खोलती है तो आपने इसके बारे में कुछ नहीं कुछ सोचना है, मेरी कमेटी से हाथ जोड़ के अपील है। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, और नारे लगाओगे, नारे इतनी जोर से लगाइयो, भैया जो आसपास रोज की रोज ध्यान देवे नहीं सरकार, उन ध्यान की तरफ कोई ध्यान नहीं देवे, अपनी आँख की तरफ ध्यान देवे, मारम कितनी आँख बढ़े।